आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूर्य देवता भी निरंतर अपने अस्त की ओर अग्रसर हैं। सब्जी आप देख सकते हैं गर्मी हो रही है, और मैं आपको बताऊं अगर आगे तो ये यहाँ पे माल्टा का पेड़ है, और ये आप बड़ा सा देख दिया अखरोट का पेड़ है, ये चुल्लू का पेड़ है, इसी के पीछे केले का पेड़ है, और ये मक्की है, और ये सब कुछ घर में हो जाए तो क्या कुछ नहीं है इन घरों में, सब कुछ हो रहा है। कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो रही है लगभग दिन के 3:15 बजे से। तो दोस्तों आज मम्मी पापा किसी काम से बाजार गए हैं, तो मैं सुबह से लेकर अभी तक घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। तो आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, ये आपको पता ही होगा कि बारिश लगने के बाद ही धूप का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको मिला हूँगा मेरी छोटी बहन समी से, जो कि मातली से घर आई है और अभी ये मातली जाने के लिए तैयार हो गई है। सम्मी आई बोलो। हाय। सम्मी का जो परिचय है इसका नाम है समीक्षा राणा, और ये हमारे मोहल्ले की सबसे छोटी और सबसे प्यारी, जो कि हमारे मोहल्ले में सबको अति प्रिय है, ये है सबसे छोटी। कितने साल के हो आप? 8 साल के। वहाँ बोलो ना कैमरे में, कितने साल के हो? 8 साल की है, तो ये हमारे मोहल्ले में सबको प्यारी है। और दोस्तों आज मेरे घर पे मेरी कंपनी के नाम पे सिर्फ एक इंसान है, और वो है मेरे दादाजी। हम आपको अपने दादाजी से मिलाते हैं थोड़ा सा, आजा। तो दोस्तों ये रहे मेरे साथी मेरे घर पे, मेरे दादा श्री। श्री कौन? श्री हैं आप? अरे श्री मेरे दादाजी, क्या बोला, मेरा दोस्त, क्या तुम हो? श्री हुकम सिंह राणा जी, आज सुबह से ही मेरे को परेशान करके रख दिया है कि मेरे लिए दवाई लाओ, मुझे आज सासी हो रही है। तो आज सुबह से मैंने इनके लिए दवाई मंगाई है, तो अभी बिल्कुल ठीक है, दवाई खा के एकदम देख सकते हैं कितने मस्त चकाचक हैं। और आज हमारे मोहल्ले में एक मेहमान आ गई है, मेरे दीपू भाई जी की लड़की, जिसका नाम है रिया। रिया तो जैसी होगी हम इसको गोली बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। हेलो बोलो गोली। हेलो। हाँ तो दोस्तों अब जल्दी से ही भोजन करते हैं, और उसके बाद मुझे निकलना है गौशाला, क्योंकि आज मम्मी पापा तो है नहीं, तो आज मुझे गाय भैंस को जंगल छोड़ने जाना है। तो मैं मिलता हूँ आपको खाना खा के। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी गौशाला, तो ये रही हमारी गौशाला, ये आप देख सकते हैं ये हमारी गौशाला रही, और ये हमारे गांव में हमारे गांव के आराध्य देवता श्री नागराजा देवता का मंदिर है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। यहां पर कि एक नागराजा देवता का पुराना मंदिर था, जिसके स्थान पर ही इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग कुछ ही हफ्तों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब खाना खा लिया है, अब बिल्कुल गौशाला जाने की तैयारी है। थोड़ा सा धूप अगर हल्की हो जाए उसके बाद मैं गौशाला निकल जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं मेरे गांव की सारियाँ बिल्कुल हरी भरी हो गई है, बिल्कुल इनका धान जो बिल्कुल है अब मंडाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग कुछ ही हफ्तों में यहाँ की मंडाई भी लग जाएगी और पूरी हार खाली हो जाएगी, जिसके बाद के ठीक ठाक ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सर्दियाँ हैं वो इन धान के खेतों ने रोक रखी है। जैसे ही धान के खेतों में मंडाई हो जाएगी, खेत खाली हो जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ का तापमान है वो बिल्कुल गिर जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पहाड़ का जीवन आसान नहीं होता, आसान होता है दोस्तों। यहाँ पहाड़ों में ना हर चीज वस्तु के लिए हमें बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं देखिए सब्जी आप देख सकते हैं गर्मी हो रही है, और मैं आपको बताऊँ अगर आगे तो ये यहाँ पे माल्टा का पेड़ है, ये खटाई नींबू का पेड़ है, और ये आप बड़ा सा देख दिया अखरोट का पेड़ है, ये चुल्लू का पेड़ है, इसी के पीछे केले का पेड़ है, और ये मक्की है, और ये सब कुछ घर में हो जाए तो क्या कुछ नहीं है इन घरों में, सब कुछ हो रहा है। बस घरों में कमी है तो बस कंपनी की, साथियों की। दोस्तों मेरे इस मोहल्ले में लगभग 11 भाई बहन है, लेकिन आजकल सिर्फ मैं ही घर पर हूँ। तो अब सूर्य देवता भी बिल्कुल अस्त होने वाले हैं, और आप ये देख सकते हैं मेरे गांव का नज़ारा, ये बिल्कुल लगभग शाम के 4:30 बजे का नज़ारा है। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा सीधे अपने गौशाला के लिए। गौशाला निकलने से पहले ही मैं अपनी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़े मच्छर होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा फुल शर्ट पहन लेता हूँ, तब मैं गौशाला के लिए निकलता हूँ। दोस्तों ये मेरी चाची है, और इनके घर में आज श्राद्ध था, तो ये मम्मी के लिए प्रसाद ला रही है, प्रसाद और खीर ला रही है, और ये मम्मी के लिए थाली तो शाम को मिलेगी। ये मेरी चाची है, ये ज्ञान वाली चाची है मेरी। तो दोस्तों अब यूनिफॉर्म भी बदल दी है, अब सीधे हम गौशाले के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं। तो मैं अब नड़ लगी हूँ, मैं नड़ू छे छानिया, दादा मैं नहीं छानिया। तो कुछ इस तरह का रास्ता है मेरी गौशाला का, और गौशाला से हमारा घर जो आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप, वो मेरा घर है, वो मेरा मोहल्ला है पूरा, जहाँ की बिल्कुल रात होने वाली है। अब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है,
तो मुझे आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि हमने अपनी गौशाला में क्या क्या पशु रखे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी गौशाला में एक गाय है, एक भैंस की बच्ची है, बछड़ी है और एक बैल है। इन सब का परिचय तो खुशी ने आपको अपने वाले ब्लॉग में ही पहले ही करा रखा था, जो कि हमने इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं हमारी गौशाला में। ये हमारा बैल है जो कि बाहर बंधा हुआ है, और अंदर आप देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये दोनों हमारे पशु। तो दोस्तों, गाय और बछड़ी तो खोल दी, अब खोलना है बैल को, खोलना बाकी रह गया है, इसको खोलते हैं। लो चल, मैं इनको यहाँ से रोड़ी रोड टू रोड अपने खेतों में छोड़ जाता हूँ। मैं मेरा काम बस इतना है कि इनको बस सही जगह पर छोड़ के आना है, ये वहीं चढ़ते रह गए, फिर बाद में मम्मी आके इनको घर ले आती है। दोस्तों, आप ये लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि घर पे काम चल रहा था, जो कि कल ही खत्म हुआ है, कि आपके लिए लगातार वीडियो ले आऊंगा। न लड़ा न लड़ा, फोन डाल लटे जा, फोन हमें ऐसे नंद आई। आप सोच रहे हैं चलो गाय ठीक है, भैंस भी ठीक है, ये एक बैल का क्या सिस्टम है? तो भाई लोगों, सिस्टम ऐसा है कि हमारे और ताऊजी लोगों के बैल है संजय ती बैल, यानी कि पार्टनरशिप में एक बैल हमारा एक बैल उनका, तो उनका बैल उनके पास, हमारा बैल हमारे पास। हम इस गाय को, इन पशुओं को हमेशा इसी रूट पर चराने के लिए आते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये आप खुद ही से ही अपना रास्ता बदलेंगे जहाँ ये डेली जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ऊपर जाना होगा इनको, मेरे बिना बोलने पर ही ये ऊपर चले जाएंगे, देखो मैंने बताए, क्योंकि ये डेली यहीं चरने जाते हैं, इसी रोड पे आगे हमारे खेत हैं, तो ये वहाँ चरने जाते हैं। आज मम्मी है नहीं तो मुझे इनको पूरा वहाँ तक छोड़ के आना पड़ेगा। कल तक तो मैं यहीं तक छोड़ के आता था, लेकिन आज मुझे इनको पूरा छोड़ के आना पड़ेगा, ताकि किसी के उजाड़ ना खाएँ और हम किसी की गाल ना खाएँ, इसलिए मैं इनको आज पूरा अपने खेतों तक छोड़ के आऊँगा। अरे भाई साहब, इतना खतरनाक रास्ता है यहाँ का, मैं तो यहाँ लग कभी आया ही नहीं जिंदगी में। जहाँ तक मुझे याद है, मैं लगभग 5 या 6 साल पहले आया हूँ इस रास्ते में। और डंडा डंडा बोलते हैं, डंडी है डंडी। तो मम्मी ने कहा था कि यहाँ तक छोड़ना इनको, कि यहाँ से ये रास्ते है, यहाँ से खुद आगे जाएंगे और यहाँ से रास्ते नीचे जाते हो जी, जाएगा सीधे रोड पर, और ऐसा कहा कि रोड से घर वापस चले जाना और इनको वहीं पर छोड़ाना। अच्छा, इसी के साथ गाय भैंसों को बोलते हैं टाटा बाय बाय, चलो तुम आराम से, और मैं निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। यहाँ से प्लान, यहाँ सीधे रोड पे पहुँचूंगा मैं यहाँ पे, और वहीं सीधे रोड टू रोड घर चलता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है लगभग 6 बजे से, और मैं पहुँच चुका हूँ घर, और मम्मी लोग भी घर पहुँच चुके हैं। और उत्तरकाशी में मेरे एक पार्सल आया था, जो कि मैंने भगवान शिवजी भगवान के, यानी कि जो आदियोगी वाला स्टिकर है, वो वाला स्टिकर हुआ, अपने लिए ऑर्डर कराया था, जो कि खुशी ने रिसीव करा, और आज मम्मी लोग बाजार गए थे तो खुशी ने वो मम्मी लोगों के पास दिया, और ये अभी फाइनली ये मेरे हाथों में पहुँच चुका है। इसको मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि हमने हाल ही में नए कमरे का निर्माण कराया है, तो जिसकी दीवारें खाली है, तो मुझे लगा कि मैं इस स्टिकर को इस दीवार में फिट करूँगा। तो जल्दी से मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर दीवार चूज करेंगे किस पे लगानी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का आया है ये स्टिकर, कुछ इस तरह का आया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको फिलहाल रख देते हैं साइड और चलते हैं कमरे के अंदर, देखते हैं। तो दोस्तों, आवाज थोड़ी गूंजेगी मेरी, ये दीवार गीली है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसको इस दीवार पे चिपकाऊं, इस दीवार पे इसको फिट कर दूं। तो अब फिलहाल इसको दीवार पे फिट करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना वॉल स्टिकर भी चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और समय आ गया है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे YouTube चैनल फर्जी ब्लॉगर को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरी छोटी बहन खुशी ने भी आजकल अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो आप कृपया उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके चैनल का नाम है खुशी राणा,
उसके चैनल के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कृपया आप वहां से उसके चैनल को चेकआउट करें और अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया उसे भी सपोर्ट करो दोस्तों। तब तक के लिए मैं सुभाष राणा फर्जी ब्लॉगर आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।